हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ऑल शिफ्ट का यानी कि 16 शिफ्ट का एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आज की डेट में, यानी कि 12 जनवरी में। तो दोस्तों, इसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ऑल स्टेट वाइज, आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ डाटा कि किस तरीके से स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है, किस स्टेट की हाई जाएगी, किस स्टेट की लो कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ लास्ट ईयर के बेसिस पर कितना कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितनी वैकेंसी है, पूरे डाटा आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं जो मैं रेंज बताऊंगा उसमें आपके आ रहे हैं, तो अभी से मीन्स की तैयारी में लग जाइए। आपको मीन्स के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम समय देता है एसबीआई आपको, मात्र 45 डेज के अंदर अंदर वो आपका जो मीन्स एग्जाम है वो ले लेगा। तो अभी से बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी में लग जाइए, करंट अफेयर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैथ्स के मॉक वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ अगर उतने आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अभी से मीन्स की तैयारी में लग जाइए, रिजल्ट का वेट मत करिएगा। रिजल्ट आता है और 10 दिन बाद आपका मीन्स एग्जाम हो जाता, तो ये गलती मत करना, 10 दिन में मीन्स की तैयारी नहीं होती। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा सब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पर वो बेसिस जो है आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा, जैसे कि वैकेंसी कितनी है लास्ट ईयर से। देखिए, वैकेंसी इस बार हमें ज़्यादा देखने को मिली है, तो ये हमारे लिए एक क्या है, गुड न्यूज़ है। ओके, एग्जाम का लेवल क्या है, तो लास्ट ईयर से हल्का ज़्यादा हमें देखने को मिला है, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, और यहाँ पर शिफ्ट में वेरिएशन भी देखने को मिला है, तो वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, तो वो भी एक चीज़ है। और नॉर्मलाइजेशन तो एक अपने आप में ये डिपेंड करेगा शिफ्ट वाइज में, किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा किस शिफ्ट को कम, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, लास्ट ईयर जो 2022-23 में जो भर्ती निकली थी उसकी जो वैकेंसी थी दोस्तों वो थी 5,500 अप्रॉक्स। ठीक है, और 2023-24 में जो इस साल भर्ती निकली है वो है 8,283 प्लस 490 जो है बैकलॉग भर्ती है, टोटल आपके पास 8,773 भर्ती, यानी कि 8,500 से ज़्यादा भर्ती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है आपके लिए। तो ये कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम करने में आपकी मदद करेगा। चलिए, अब देखिए आपको वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूँ। तो देखिए, 8,223 आई है आपकी 2023 में, यानी कि जो 24 में जिसका एग्जाम हुआ है वो, 22 जिसका एग्जाम 23 में हुआ था उसमें थी 5,486। ठीक है, यानी कि मैंने बताया जो 5,500 लगभग, 2021 में भी वही 5,400 और 2020 में इससे पहले 8,308 हमें वैकेंसी देखने को मिली थी, उससे पहले 9,000 और फिर 8,000। तो ये देखिए 2020 वाला इन्होंने जो ट्रेंड है वो वापस ला के दे दिया, तो वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको इस साल की वैकेंसी का क्राइटेरिया बताने की कोशिश की है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको जो हाई वैकेंसी वाली स्टेट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ आपका पूरा पूरा चांसेस है कि कम जाएगी इस बार, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है। देखिए, जैसे अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद सर्कल, ये सर्कल है, ये स्टेट है, तो जैसे गुजरात हो गया, तो गुजरात में 820 वैकेंसी, तो यहाँ पर डेफिनेटली कट ऑफ आपकी इस बार गिरने वाली है। जैसे बेंगलुरु हो गया, जैसे मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, वैसे इतनी ही आती है, बट ठीक ठाक है, बट कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, डिसेंट वैकेंसी। ठीक है, चलिए। और क्योंकि इस बार पेपर भी थोड़ा हार्ड है, तो हम कह सकते हैं या तो लास्ट ईयर के बराबर कट ऑफ जाएगी या उससे कम जाएगी, हाई तो जाने वाली नहीं। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती है, उड़ीसा में थोड़ी कम वैकेंसी हमें देखने को मिली है। ठीक है, और हरियाणा में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, यहाँ पर हिमाचल में भी कम वैकेंसी हमें देखने को मिली है। बाकी आप देख सकते हैं ये अपनी वैकेंसी, अपनी स्टेट का आप देख लेना। देखिए, तेलंगाना में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, राजस्थान में देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 940 वैकेंसी है आपकी, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी इस बार हमें काफ़ी कम वैकेंसी देखने को मिली है। यूपी में और न्यू दिल्ली वाला जो सर्कल है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट वैकेंसी इस बार देखने को मिली हुई है। इसके अलावा मुंबई में भी हमें कम देखने को मिली है, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पर भी डिसेंट वैकेंसी कह सकते हैं आप। इसके अलावा असम हो गया, उसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, तो इसका तो कट ऑफ डेफिनेटली गिरने वाला है। बिहार में भी देखिए काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिली हुई है। ओके, चलिए। तो देखिए, झारखंड की अब मैं बात कर लूँ, है ना, झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको कम वैकेंसी कम देखने को मिली है, तो बाकी तो कमी आपको देखने को मिली होगी। ओके, तो ये था आपका वैकेंसी का चार्ट। इसके अलावा ये 8,283 प्लस 490 हमारे पास बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, चलिए। अब ये देखिए, ये लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसे मैं आपको एक जैसे हम दिल्ली का उठाते हैं, ठीक है, दिल्ली का देखिए 82.75 किया था लास्ट ईयर, क्योंकि वैकेंसी लगभग 5,500 थी। ठीक है, अगर बात करें हम आपका जो EWS होता है और OBC होता है, देखिए OBC ये रहा, EWS ये रहा लास्ट में, तो देखिए OBC का कितना, मात्र 4 नंबर की कम देखने को मिला है, और EWS का मात्र 2 नंबर कम देखने को मिला है। वहीं SC का देखिए 77 है, तो 5 नंबर कम है, और यहाँ पर 65 है, यानी कि लगभग लगभग 16-17 नंबर हमको यहाँ पर ST के जो कट ऑफ है उसमें कम देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप UR से बिलोंग करते हैं, OBC,
और ईडब्ल्यूएस, तीन कैटेगरी, पांच कैटेगरी होंगी इसकी, एससी और एसटी, ठीक है, चार कैटेगरी सॉरी। तो देखिए ये क्या है, ये लगभग सेम चलते हैं और यूआर के बराबर ही चलते हैं, या एक दो, हाथ से यार दो तीन नंबर, तीन नंबर का गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बाकी एससी की बात करें तो इसमें जो गैप आपको देखने को मिल सकता है वो 8 से 10 नंबर, 12 नंबर तक भी जा सकता है, ठीक है, और मिनिमम 5 नंबर तक भी आपको देखने को मिला है। एसटी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम कम से कम 8 नंबर का गैप तो आपको देखने को मिलता है, वो मैक्सिमम जो 15 16 20 तक भी चला जाता है, तो 15 आप मान के चल सकते हैं, इतना गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा यू आर की बताऊंगा और उसके बेसिस पर बताऊंगा कि इसकी कितनी कितनी जा सकती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ है। तो देखिए आपका दिल्ली हो गया हाई कट ऑफ जोन है, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर, ये हाई कट ऑफ जोन है आपके। इसके अलावा एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, इसके अलावा ये वाला उड़ीसा पंजाब राजस्थान हो गया, इसके अलावा नीचे उत्तर प्रदेश तो हाई हाई रहता ही है, उत्तराखंड हो गया, ये भी हाई कट ऑफ जोन है, वेस्ट बंगाल भी हाई कट ऑफ जोन है। भले ही वैकेंसी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको हाई ही देखने को मिली, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस स्टेट में थोड़ा ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ओके चलिए, अब देखिए ये आपका एनालिसिस था, मैंने कल आपको करवाया था, ये तीनों शिफ्ट करवा दिए थे, जहाँ पर हमें देखिए मेंस का जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला हुआ है, और जो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट आते आते यहाँ पर आपका पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट है वो ईजी टू मॉडरेट में ही रह जाता है ना। इसी तरीके से आज भी, आज का भी आपका 12th जनवरी का एग्जाम पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसका भी वही है, सब लोग ये बोले कि मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेटिव देखने को मिला, बाकी तो नॉर्मल चल गया, रीजनिंग तो एक जैसी लगभग सभी चली, लेकिन थर्ड फोर्थ शिफ्ट आते आते एक दो क्वेश्चन वैसे डाल देता है, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस, ठीक है। चलिए देखिए जो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, बिग फैक्टर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में 8 से लेकर 15 नंबर तक किसी के 2 भी बढ़ेंगे, किसी के 1 भी, यहाँ पर किसी के 2 माइनस हो सकते हैं, किसी के 10 माइनस हो सकते हैं, किसी के 20 भी माइनस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी लास्ट ईयर देखने को हमें मिला था, मतलब हर साल हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन बिग फैक्टर करे मैटर करेगा यहाँ पर, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो पूरा आपका एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी पेपर में एक्यूरेसी क्या रही थी, किस कितनी एक्यूरेसी से आपने अटैम्प्ट किया। मान के चलिए कोई बंदा है 90 अटैम्प्ट करके आ गया, बट वो अगर उसने सही मिला है तो उसके 40 से सही हो रहा है, तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। मान के चलिए कोई बंदा 80 अटेम्प्ट करके आया है और उसके 10 गलत हो गए, तो इसकी भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी गिर गई। मान के चलिए एक बंदा है वही 80 अटेम्प्ट करके आया और उसकी उसमें से 78 या 77 सही है, तो इसको ज़्यादा चांस है इसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, और इनको यहाँ पर लॉस होता हुआ देखेगा, इनके और भी माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा, देखिए थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट वालों को तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पेपर में हल्का इनको थोड़ा हार्डनेस देखने को मिली थी, एंड जिसकी एक्यूरेसी बेटर है उन्हें तो डेफिनेटली जो फायदा है मैंने बता दी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे वो आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर बताएंगे, यानी कि मान के चलिए किसी बंदे के 75 अटेम्प्ट हैं, तो ये केवल अटेम्प्ट है, हम मान के चल सकते हैं कि 5 उसके गलत हो गए होंगे, तो यानी कि कट आपके जो मार्क्स रहेंगे कहीं ना कहीं आपके 70 मार्क्स आ रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहेगी, यानी कि जो मैं बताऊंगा आपको ये बताऊंगा अटेम्प्ट कि इतने अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल आप पेपर में लग जाइए, अगर उससे 5 2 4 नंबर माइनस भी हो रहा है आपका ऐसा लगता है आपको, तब भी आपके चांसेस उसमें पूरे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से जो कट ऑफ है वो आपको दिखा देता हूँ। ओके चलिए यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए तो देखिए ये लीजिए दोस्तों, यह अभी आपके एस बी आई क्लर्क की कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम। ओके देखिए तो एस बी आई क्लर्क कट ऑफ 2024 क्या रहने वाली है, यहाँ पर स्टेट या यूटी लिखी हुई है कौन सी है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन बिग फैक्टर यहाँ पर होने वाला है। ये मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो जनरल की बताऊंगा, ओबीसी की बात करें तो या तो सेम रहेगी यूआर के अकॉर्डिंग, या एक दो नंबर कम, तीन भी कम कर सकते हैं किसी किसी स्टेट में, मोस्टली जो एक दो नंबर कम मिलेगी हमें ज़्यादातर स्टेट में सेम देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। बात कर लेते हैं एससी की, तो 5 से लेकर 10 नंबर का अंतर यूआर के अकॉर्डिंग, यूआर से 5 से 10 नंबर का अंतर मिलेगा। वहीं एसटी की बात करें तो यूआर से 8 से 13, किसी किसी में ज़्यादा आता है बट जो एवरेज रहता है वो 8 से 13 के बीच में हमें कम देखने को मिलता है यूआर का। ईडब्ल्यूएस की वही सेम रहता है, या एक दो नंबर आपका यूआर से कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप एक लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अंडमान निकोबार की बात करें तो अगर आपके 65+ बन रहे हैं तो बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी में लग जाइए, और क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी होंगे, अगर हम इसके मार्क्स देखें तो लगभग आपके मार्क्स जो है 60 या 58 के आसपास आ रहे हैं, तो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ रहेगी, ये आपके अटैम्प्ट है, 65+ अटैम्प्ट करके आ रहे हो और बिल्कुल आप तैयारी में लगे, क्योंकि इसमें कुल गलत भी हो रहे हैं तो कट ऑफ आपकी 60 के अकॉर्डिंग या 58 के अकॉर्डिंग भी जा सकती है। ओके चलिए
वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो दोस्तों 50+ अटेम्प्ट वाले बिल्कुल आपकी मेंस की तैयारी में लग जाइए। गोवा 50+ वाले बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। लास्ट ईयर तो इसकी 45 गई, इसकी 48 गई थी, इसकी 45 गई थी, तो फिर ये मैं अटेम्प्ट बता रहा हूँ क्योंकि 50 अटेम्प्ट है उसमें दो चार गलत हो गए तो वही आपकी 45 घूम फिर के आ जाएगी। ओके चलिए असम की बात करें तो 64 अटेम्प्ट वाले बिल्कुल आप जो है मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है। चलिए ये आपको पेन दिखेगा नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, हम बिल्कुल ले लेते हैं। ओके चलिए बात करें 36 असम में इस बार ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ हमको कम ही देखने को मिली, लास्ट ईयर की काफ़ी ज़्यादा गई थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 65+ अटैम्प्ट वाले बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ध्यान रखना मैं ये अटैम्प्ट बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे कम जाएगी, ये केवल अटैम्प्ट है क्योंकि इसमें कुछ आपके मार्क्स कम होंगे। दिल्ली का देखिए हाई कट ऑफ जोन रहता तो जनरल 70+ वाले बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाए, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 68 से लेकर 70 के बीच आ रहे हैं अटैम्प्ट है तो बिल्कुल लगे। एससी की बात करें 62 से है ना, एससी है और ये एसटी है, ठीक है, ये ओबीसी है, ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले भी 68 से 70 के बीच लग जाइए, एससी वाले 62 से 65 और एससी वाले 60 से 63 के बीच आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में जो है लगेंगे। गुजरात की बात करें तो 65+ वाले अगर आप मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लगे। वही ओबीसी का मैं बोलूंगा कि एक दो नंबर इससे कम मान के चलिएगा, है ना, यहाँ पर 5 से लेकर 8 नंबर तक 10 नंबर तक कम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 8 से लेकर 10 12 से लेकर 15 तक आप कम कर सकते हैं, बाकी ये तो वही 1 से 2 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लगा लेना कि मैं जनरल का बता रहा हूँ तो मैंने बता दिया किस तरीके से आप अपने एससी का और एसटी का जो है अनुमान कर सकते हैं कि अगर जनरल ने 65 किए हैं तो अगर मैंने कहीं ना कहीं 60 किए 58 किए हैं एससी से आ रहा हूँ तो बिल्कुल इतना चाहिए, एसटी से आ रहा हूँ तो मेरे अगर 55 अटेम्प्ट है तब भी मेरा होने के चांस यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों 72+ वाले अटैम्प्ट करके आए हैं तो बिल्कुल आप लगे क्योंकि इस पर स्टार लगा, यानी कि ये हाई कट ऑफ जोन है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होते हुए भी आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहता है, सबसे बड़ी बात है। ये अटैम्प्ट बता रहा हूँ केवल, मैं कट ऑफ तो इससे कम जाएगी, लगभग 68 भी जा सकती है, 67 भी जा सकती है इस हिसाब से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 70+ वाले बिल्कुल लग जाइए मीन्स में, जम्मू कश्मीर 65+ वाले लग जाइए, कर्नाटक में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60+ वाले मीन्स की तैयारी में लग जाइए, है ना, केरल वाले 65+ वाले लग जाइए, मध्य प्रदेश में 68+ अगर आप करके आए तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए, है ना। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो 70+ वाले मेंस की तैयारी में लग जाएं, मणिपुर वाले 48+, मेघालय वाले 60+, उड़ीसा पंजाब राजस्थान हाई कट ऑफ जोन है तो यहाँ पर अगर आपके 60 उड़ीसा में 73+, पंजाब में 73+ और राजस्थान में 70+ अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। ये यूआर कैटेगरी है, बाकी अदर कैटेगरी वो अपना इसके थोड़ा कम कम करके देख लेना जो मैंने बता दिया है। तमिलनाडु की बात करें 65+ अटैम्प्ट वाले बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं, तेलंगाना वाले 62+, त्रिपुरा वाले 68+, सिक्किम वाले 70+ आ रहे हैं तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लिया, उत्तर प्रदेश हाई कट ऑफ जोन रहता तो वही बोलूँगा वैकेंसी ज़्यादा होती हुई 68+ वाले हैं तो ही आप मेंस की तैयारी करें। उत्तराखंड में भी 72+ और वेस्ट बंगाल में भी 72+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ बताया, देखिए एक्चुअल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, मैंने एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकती जिससे आप मेंस की तैयारी कम से कम इतने अटेम्प्ट करें तो कम से कम आप मेंस की तैयारी तो करने ही लग जाएं, बाकी कट ऑफ तो हमें एक्चुअल जब रिजल्ट आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगी, बट एक अंदाजा है कि अगर इतने आ रहे हैं इतने अटेम्प्ट हैं मतलब तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं अभी से, ठीक है। बाद में बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, पूरी अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए क्या करें, चैनल पर सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे तो उसको दबा लें और बेल का बटन दबा लें, इससे कोई भी अपडेट एसबीआई क्लर्क के बारे में आएगी तो मैं उसकी अपडेट आपको दे दूंगा। और करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए हमारा सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर जीके नाम से। चलिए वीडियो अच्छा लाइक कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।